देखिए आज हम लोग मेंसुरेशन में आगे कर रहे हैं और सारे बच्चे शोर नहीं करेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग में मेरे को दिक्कत होगी। मैंने कल आप लोगों को जो फॉर्मूलाज लिखाए थे, आप लोगों को पता है, नोट्स मैंने भेजा नहीं है अभी आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि उसका नोट्स है ना मेरे पास हैंड रिटन है, तो उसको थोड़ा पिक लेकर के एक पीडीएफ बनाना पड़ेगा, अच्छे सब हो पाएगा। मैं आपको आज पैरेललोग्राम के बारे में बताता हूँ। तो सोनिया दीदी को पता है, सोनिया दीदी पढ़ाई के लीजिए, आई सुनिए एक्सप्लेन पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ अ हाँ क्या गेट तो बजाने लायक है भी नहीं वैसे। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हम देखते हैं। पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया था इस तरह का कुछ पिक्चर होता है, ठीक है? लग छोड़ लग रहा है क्या, ताजमहल लग रहा है? देखिए इसको तो आगे फिर कैलकुलेशन में कहीं भी, ठीक है? ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को कैसे पहचानते, देखिएगा। अ पैरेललोग्राम हैज अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड, अब देखो ये इसके अपोजिट है तो इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। पैरेलल है और इक्वल, लाइम जूस एडी बीसी के पैरेलल भी है इक्वल भी है दोनों। तो पैरेललोग्राम का मतलब होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, ठीक है? पहली बात तो ये, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है? अब अगर हमको एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालना होगा तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम का कोई फॉर्मूला किसी को याद है? बेस इनटू हाइट। अब हाइट बेस इनटू हाइट, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर हम यहां लाइन ड्रॉ करते तो हाइट निकल जाएगा। पहला कंडीशन ये है, मैं इरेज करता हूं। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हम यहां लाइन ड्रॉ कर ले तब भी हाइट निकल जाएगा, ठीक है? मैं इसको भी इरेज करता हूं। तीसरा कंडीशन क्या है देखिएगा, अगर इस तरह कर दे तब भी हाइट निकलेगा। अपोजिट अगर इसको हम बना देते, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से। उसके बाद अगर हम इसको नीचे भी ले आए तब भी हो जाएगा। ये बेटा सारा का सारा पैरेललोग्राम है और अलग अलग में आपको सिचुएशन के हिसाब से इसके एरियाज निकाल के बताऊंगा। करने का मतलब है आप यहां परपेंडिकुलर जो लाइन देते हो हाइट के लिए वो अलग अलग सिचुएशन रहेंगे और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग हाइट निकालते हैं। अब चारों सिचुएशन मैं पहले ड्रॉ करता हूं और आपको उसका एरिया निकाल के, ठीक है? देखिए पहले फर्स्ट वाले कंडीशन पे देखते हैं। हमें पता है कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। हमारा फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। अब बेस और हाइट, ये रहा हाइट और ये रहा पूरा का पूरा बेस। अब बेस इनटू हाइट है तो पहले कुछ ना कुछ हमको वैल्यू तो पता होनी ही चाहिए। यहां देखिएगा, पर इस पॉइंट को ई बना लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, हियर बेस इज इक्वल टू, बेस क्या है ये, मैं जितना का जितना स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको पेपर में हाफ नंबर मिलेगा नहीं तो नंबर कटेगा। बेस इज इक्वल टू क्या है, ए बी दिख रहा है, बेस इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी, ये पूरे की पूरी कुछ भी है ना, हमने इसको बी मान लिया।
स्मॉल बी, ये यहां से यहां तक के लेंथ। एबीसीडी तो पता नहीं है ना, 3, 4, 5 सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं हमने, सपोज कर लिया कि बी है। ओके, उसके बाद जो हमारी हाइट है वो है डी ई, ये मैंने पॉइंट ई बना दिया डी ई। हाइट इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, और इसको हम कुछ भी हाइट इज इक्वल टू डी ई है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एच माना है, स्मॉल एच, एच तो बेस को स्मॉल बी से हमने डिनोट किया है और हाइट को स्मॉल एक्स। क्लियर है? यहां पर बेटा 2 या 3 सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो सपोज डेट हमने इसको एच स्मॉल, और यहां पर भी 2, 3, 4 सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है, इसलिए सपोज डेट हमने इसको बी माना है। अब कुछ एक्स वाई मानो, इट डजंट मैटर। अब आप यहाँ पिक्चर को ध्यान से देखना और जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। बेटा वो पर्दा ठीक करना जरा, आंखों में चमक आ रही है, प्लीज। बेस इज एनी साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बेस बेटा ये भी हो सकता है, बेस ये भी हम ले सकते हैं, बेस ये भी ले सकते हैं, चारों साइड में से किसी भी साइड को हम इसका बेस ले सकते हैं। पहली बात याद रखिए, मैं आपको पिक्चर बना के दिखा दिया था। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, बेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम चाहे तो किसी को भी बेस। क्या कर रहे हो यार, अच्छे से करो प्रैक्टिस को। देखिए, बेस इज एनी साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड हाइट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू द बेस। जो भी बेस है उसका अपोजिट वर्टेक्स जो होगा वही उसका हाइट होगा। अब सपोजिट में 3-4 पिक्चर बना के दिखा देता हूं। तू इधर मुंह क्यों फेर लिया, तेरे क्या खोपड़ी में दर्द हो गई क्या? देखो ये हमारा बेस है, इस पिक्चर में दिख रहा है, इसका वर्टेक्स मतलब क्या होता है, जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करती। अब यहां से कोई परपेंडिकुलर लाइन अगर खींचते हैं तो कहां इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट पे, अपोजिट वाले पे इंटरसेक्ट, अपोजिट वर्टेक्स। इस बेस का अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला AD और DC लाइन जहां मिल रही है एक वर्टेक्स है, इसलिए हमने यहां हाइट यहां पर लगाया है, अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स पे हम लोग एक परपेंडिकुलर मतलब की सीधी लाइन लगाते हैं। एक ये तो सिंपल पिक्चर आपको समझ में आ गई। आपने कहा कि सर हर साइड बेस कैसे हो सकता है, वो मैं आपको बना के दिखाता हूं। अब दूसरा कंडीशन देखिए, अगर मैं एक पिक्चर बनाऊं सेमी पिक्चर है, ठीक है, और मैंने क्या किया, ये ठीक है, हमने क्या किया, अगर ये हमारा बेस है मान, ठीक है, अगर ये हमारा बेस है तो चैलेंज क्या है, अपोजिट वर्टेक्स। अब हम यहां अगर ना बनाए तो इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते तो इस पर परपेंडिकुलर ये हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ये भी बन सकती है, और इसको हम लिख सकते हैं, जी बेटा बिल्कुल एबीसी। और अगर कोई आंसर लिखता भी है तो एबीसीडी जरूर लिखना, नहीं तो मैं नंबर नहीं देने वाला, मेरा समझ में नहीं आएगा, उतना टाइम नहीं होता। एबीसीडी लिखो, एबीसीडी जरूर लिख दीजिएगा आंसर में, ठीक है ना, इतना तो हो सकता है आप लोगों से, और नहीं हो सकता है तो हाथ मुझे अपना है ना गुरु दक्षिणा में दे दीजिए काट के, तब तो बच्चे कर ही देंगे। अब एक पिक्चर में और बना के आपको दिखाता हूं कि मान लीजिए कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, हमें क्या करना है कि ए बी सी डी जैसे कि जो होता है एक पैरेललोग्राम,
आपको पिक्चर में बताया गया है कि बीसी को आपको बेस बनाना है, ये आप बेस बना रहे हैं। अब ये बेस बना रहे हैं तो इसके सामने वाला वर्टेक्स श्रद्धा कहाँ है बताओ, कौन सा पॉइंट इस बेस का वर्टेक्स के ऊपर, पॉइंट कौन सा होगा, बी पॉइंट यही ना वर्टेक्स होगा। अब ये जो हमने लाइन खींची तो यहां पर देखिए हाइट जो हो गई ये, ठीक है। अब इधर से अगर आप बनाओगे, अगर आप इसको अगर बेस मानते हो, हाँ बिल्कुल, और क्या मेरी बात जी, वर्टेक्स को जोड़ते हुए कोई भी लाइन हमको खींचते वहां से जो भी एंगल बन के निकलेगा उसका कंस्ट्रक्शन होता है, अभी बताया जाएगा, तो रफली मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं बस ये पैरेललोग्राम का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखिए अगर हम बेस इसको मानते, देखिए अगर हम बेस इसको मानते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से इस बेस का सामने वाला पॉइंट क्या होगा, बी होगा, किधर से बना सकते, आप ऊपर से लो, नीचे से लो, दाएं से लो, बाएं से लो, कोई भी चारों से, चारों में कोई भी बेस ले सकते। और यहां पर जो मेरा ये नोट्स है आपको ये चारों का चारों ये पूरा सॉल्व करके दिया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है, भेजेंगे, चिंता मत नहीं आया, तो मत आया, क्या हो गया, तो नहीं आया, तो अभी मैंने बताया, अब आपको समझ में नहीं आया, इसको नहीं आया ना, तुम कराएंगे ना, तो मैं अब क्या करूंगा, जो एक एक पिक्चर बनाई थी उस एक एक पिक्चर में, उस वाले में हमने खूब करवा लिया, इस वाले में बना दिया, किधर, मेरी बात सुनिए, आप चाहे कोई भी बेस लेंगे उसके सामने वाला जो वर्टेक्स होगा, आप या तो बेटा देखो यहाँ, या तो आप इस लाइन को मिला के ऐसे कर दो, या तो आप इस लाइन को ऐसे मिला के कर दो, देखो मैं आपको दिखा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, वर्टेक्स उसके अपोजिट वाला, अगर मान लो आप इसको बेस मानते हो तो या तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये उल्टा नहीं बन सकता, पहले मैं बता दूं, तो इसलिए आपको क्या करना है, ऐसा बनाना है, तो ये लाइन आगे बढ़ा करके आपको इस तरह, ठीक है, एक तो इस तरह बन सकता है, अगर आप मान लो इसको बेस मान रहे हो, सॉरी यही रहेगा, तो कैसे वो देखिए, अगर आप इसको बेस मान रहे हो तो या तो आप इसको, सॉरी इस वाले बेस के लिए या तो अपोजिट वर्टेक्स ये और नहीं तो ये, यही दोनों वर्टेक्स है ना, तो या तो इससे लेकर के ऐसे कर दो, कोई सा भी ले सकते हो, तो मैं उससे समझ, हाँ तो क्यों ना बोला कि तेरे सर पे नारियल फोड़ने पे तो समझती है, वही ट्राई करते, चलिए ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा आपको, अब आगे देखिए, एक जो कंडीशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरह से तो बेस किसी तरह बना सकते हैं आप, मैं आपको एक चीज दिखा, एक पिक्चर देखना आप लोग, मान लीजिए कि ये आपका एक पैनल होगा, मानना क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, अब मैं बोल दूं इसका नेम भी दे देता हूं, ए बी सी और डी, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि यहां बेस बीसी को लिया गया है जी, और हाइट ए ई, अब एक से अगर आपको पहले से पिक्चर बना के देखिए, एक सेकंड,
ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं हमने हाइट जो लिया है वो ये है, ए ए ये हाइट है, इस लाइन को इधर बढ़ा दिया और बी वाले को आगे बढ़ा दिया। नहीं, ये कंडीशन दिया है कि वो अंदर का जब क्वेश्चन आएगा तो बेटा तब करना, ये कंडीशन ही आपको क्वेश्चन देगी कि ये पूरा पिक्चर दिया गया है। हाँ, ये पिक्चर दिया हुआ है पहले से आपको क्वेश्चन में। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, ये कर दो, क्या दिक्कत है, इसको बढ़ा करके ऐसे ले आओ, कुछ भी कर सकते हो। इसी के लिए दो कंडीशन हो जाएगी ना हमारी। हमने क्या करना है कि यहाँ पर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला विधि जी क्या होता है, बेस इनटू हाइट। क्लियर, बेस हमारा क्या है, बीसी। तो बेटा बीसी में जो भी लिखा रहेगा बीसी, और हाइट ए ई, अब जो भी अगर वैल्यू अगर दी रहती तो मान लो यहाँ 2 सेंटीमीटर और यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया रहता, 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर। ये आपको इतना आसान लगा, अब मैं कुछ क्वेश्चन करता। अरे बेटे ये बस है, लेकिन ट्रक आएगा। हाँ, देखिए एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बीसी इनटू ए, और जो भी दिया है वेरिएबल अपना उसका। देखिए क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि आप लोग तो खुद ही कर देंगे, जिसे पूछेंगे वो क्वेश्चन करेंगे। नहीं नहीं, दिमाग में जी ऐसा भी हो सकता है। अरे रुक जाए, अरे एक मिनट, कितना बोल दिया है यार। अच्छा ये वाला हमने आसान काट के बेटा रख दीजिए, इतना बात करने का टाइम, ठीक है। चलो बताइए क्या होगा, कितने इंटेलिजेंट हो तुम, ये भी कोई क्वेश्चन है, ये तो तुम लोग को बोलना चाहिए कि मैं बताऊंगी ही नहीं। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन विधि तुम्हें तो समझ में आ रहा है ना, बेस बता दो, हाइट बता दो, बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन दो, आगे भाई चेक कर देना। सबके घर में छोटा खून पीने वाला होता है, मेरे घर में आप लोग बोले इतने सारे हो ही आप लोग। क्या संतुलन प्रकृति का नियम है। चिकी तू तो कुछ भी ना बोलते, कुछ बोलते ही पता नहीं क्यों मिर्ची लगती है मेरे। सही इस कॉपी में बस 10 आंसर लिखे हुए हैं, ले लो। देखिए एरिया, किसने गर्मी चढ़ी रहे, अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, याद रखिएगा, इसके वन साइड्स अपोजिट जो होंगे वो पैरेलल होंगे, ठीक है। सो इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, यहां पे एबीसीडी जो ट्रेपेजियम है आपको दिख रहा है, इसमें एबीसीडी के पैरेलल है, याद रखिएगा। अब देखो मैं आपको, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, सॉरी ट्रेपेजियम है हमारा, यहां पर ए बी किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है हमारे सी डी के,
लेकिन एडी सीबी के पैरेलल नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? पहले वाले में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन पैरेललोग्राम, बट इन ट्रेपेजियम ओनली वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इन ट्रेपेजियम ओनली वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड यू हैव नो चॉइस, आप इन दोनों को ये पैरेलल नहीं है बेटा, अलग अलग सर। एडी और बीसी पैरेलल है बेटा, इक्वल थोड़ी कर रहा हूं मैं बेटा। ये लाइन छोटी, ये लाइन बड़ी, पैरेलल है कि नहीं? तो बस वही तो कर रहा हूं, हो गया जा। एडी और सीडी नहीं है ना? एक सेकंड बैठ बैठ, क्वेश्चन देखिए ना, पेन देखिए। ट्रेपेजियम में हमेशा अपोजिट साइड्स, कोई एक अपोजिट साइड पैरेलल होगी, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होगा। पैरेललोग्राम में दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होगी। मूवमेंट आगे देखिए। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और कहूं, अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप लोग ये मछली बाजार क्यों बना रखे हैं? क्वेश्चन देखिए, देखिएगा हमको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल्स, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल्स, ठीक है? हियर हाइट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट इज परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, ये जो सीधी लाइन होती है इसको हाइट कहते हैं। हाइट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, याद रखिएगा। ये दो पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है। आपने पिछली बार एक क्वेश्चन किया था कि सर आप इसको भी बेस मान लेते हो, इसको भी बेस मान लेते हो, लेकिन इन ट्रेपेजियम आप कभी भी या तो जो दो पैरेलल लाइंस हैं उसी को बेस बनाओगे और को नहीं बना सकते। क्लियर है? वहां पे ऑल साइड्स आर साइड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल थे, इसलिए हम किसी को भी बेस बना लेते थे। लेकिन इन ट्रेपेजियम आप या तो इसको पैरेलल, इसको आप बेस बनाओगे, नहीं तो इसको बेस बनाओगे। इन दोनों को कभी नहीं बना सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं, ठीक है? तो हाइट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। आगे देखिए, देखो अगर मैं इसको यहां देखे थे ना, इसको 3, इसको 6 सेंटीमीटर दे दो और इसको 4 सेंटीमीटर, फाइंड आउट करना जरा। फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, सर आप क्या पे फॉर्मूला दे, फॉर्मूला दे, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, क्या दिक्कत है? एक सेकंड, अच्छा अच्छा सॉरी, सम ऑफ पैरेलल इनटू हाइट, सॉरी अब ठीक है, वो मैं भूल गया था, टुडे टूट गया भाई। देखिए ए बी सी और डी, हां तो सर अच्छा की मम्मी कह रही है उसकी मम्मी कहीं से नहीं आएगी, बोलो सर आप किसे बताओ किसे, भाई एक काम करें अब बना। रोम्बस का फॉर्मूला याद ही होगा आप लोगों को,
हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू विदित तुम्हारा आंसर है, उसको करने तो आराम से, अड़ा मत